हेलो गाइज, नमस्कार। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का मैं आर कुमार, साइंस ट्रिकी गुरु, स्वागत करता हूं। लेखपाल भर्ती की परीक्षा के लिए इसके पहले हमने एक दो टॉपिक देखे, जैसा कि पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स पढ़ाई थी, जहां मैंने आप सभी को ट्रिक के द्वारा बताया था कि कैसे चीज को याद करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिक जरूरी क्यों होती है? देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक जो हम याद नहीं कर पाते, वहां हमको ट्रिक पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। और बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ट्रिक के द्वारा कुछ ऐसे नाम पढ़ लीजिए जिस नाम को आप नहीं ले पाते हो या जो नाम आपको याद नहीं रहते हैं। तो मैंने कहा था चुनौती के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हाँ सर, वास्तव में हमें याद हो गया। आपकी एक क्लास देखने के बाद ही जो चीजें हमको जल्दी याद नहीं होती थी वो शीघ्र ही हमें याद हो गई हैं। और ध्यान देना, ये क्लास लेखपाल के दृष्टिकोण से बनाई जा रही है, और इसलिए वहां हमारा प्रयास ये होता है कि जो बच्चे लेखपाल की परीक्षा देने वाले हैं उनको हम जल्दी से पॉइंट्स को याद करा लें। तो आज आपके सामने मैं एक नया पॉइंट लाया हूं, नया टॉपिक लाया हूं, जिसका नाम दोस्तों है विटामिन। देखिए, जिसका नाम क्या है, विटामिन, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। और आप सभी को पता होगा विटामिन एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है, ये हमारे पोषण में शामिल है। हमारे शरीर में कुछ उपापचयी क्रियाएं होती हैं, विकासात्मक क्रियाएं और विनाशात्मक क्रियाएं। तो शरीर में जितने भी मोटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए विटामिन बहुत जरूरी होता है। आपको पता होगा कि विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन होती है, वहीं प्रोटीन की आवश्यकता 80 से 90 ग्राम होती है, वहीं वसा की आवश्यकता लगभग 70 ग्राम प्रतिदिन होती है। लेकिन इन सभी की अपेक्षा विटामिन की आवश्यकता हमें मिलीग्राम में होती है। यानी विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक है, पॉइंट्स लिखा गया है, विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक है जिनकी आवश्यकता हमें बहुत अल्प मात्रा में होती है, परंतु विटामिन की कमी से अपूर्णता जनित रोग हमको हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, अगर एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। तो विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक हैं जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता, और विटामिन की आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है, लेकिन अगर वही आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तो हमें अपूर्णता रोग हो जाता है। बहुत सारे मिथक है विटामिन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि विटामिन की जो खोज है, सबसे पहले विटामिन की खोज की थी लूनिन ने, और उसके बाद विटामिन की थ्योरी आई थी। विटामिन की थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दी थी, हॉपकिंस और कैसिमीर फंक ने, और वहीं जाकर के सबसे पहले विटामिन शब्द आया। और विटामिन शब्द कौन दिया था, कैसिमीर फंक ने दिया था 1912 और 1911 के आसपास। यानी सबसे पहले कैसिमीर फंक ने क्या किया था, विटामिन का नामकरण किया था, और लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। यदि ये पॉइंट्स आपका अभी भी गड़बड़ है तो इसको आप सही कर सकते हैं। और ध्यान देना, विटामिन क्या होता है, विटामिन उपापचयी नियंत्रक होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं उसको विटामिन ही कंट्रोल करता है दोस्तों। अब विटामिन कितने प्रकार का होता है, विटामिन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हम आपसे इसकी बात कर लेते हैं। तो संज्ञान में रहे आप सभी को कि विटामिन, कुल मेजर जो विटामिन होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के, ए बी सी डी ई और के, ये मेजर विटामिन है। तो मेजर विटामिन कुल 6 प्रकार के होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी एक जटिल विटामिन है, अर्थात कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 तक पहुंच जाता है आंकड़ा। अगर विटामिन की बात करें तो दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सॉलिबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऐसा विटामिन जो जल में घुल जाता है और एक ऐसा विटामिन जो वसा में घुल जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन दो है। देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो एक्चुअली में बहुत सरल होते हैं, लेकिन जो वसा में घुलनशील होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं। तो विटामिन को घुलने के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो,
इस तरफ लिखा हुआ है वाटर सोल्यूबल, जिसका मतलब होता है जल में घुलनशील, और इस तरफ लिखा हुआ है फैट सोल्यूबल, जिसका मतलब होता है वसा में घुलनशील। प्यारे साथियों, आपको एक पॉइंट यहां दिख रहा होगा, लिखा मैंने WBC। देखो, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी जो हमारा ब्लड है, ब्लड को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाएं हमारी RBC, WBC और प्लेटलेट होती हैं, है ना, ये होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस RBC को भूल जाइए और प्लेटलेट को भूल जाइए। RBC और प्लेटलेट को भूल गए तो क्या बचा आपके पास, WBC। W से हो गया फ्रेंड्स वाटर सोल्यूबल, और BC क्या हो गई, विटामिन। तो यहां देखिए, W से हो गया वाटर सोल्यूबल और BC क्या है, विटामिन। जब विटामिन BC जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है, तो बचता क्या है, A, D, E और K। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां बचता है A, D, E और K, और इसको हम पढ़ सकते हैं एडेक। और ये जो एडेक विटामिन है, ये एडेक विटामिन कहां घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है, फैट सोल्यूबल है, ठीक है ना। तो WBC यानी कि BC विटामिन जल में घुलनशील और एडेक विटामिन वसा में घुलनशील। हम देखते हैं कि इसको एक तरीके से और भी हम डिफाइन कर सकते हैं इन विटामिनों को। जैसे दो ग्लास लिया हमने, ये तो मान लीजिए पुराना फॉर्मूला है, लेकिन कुछ लोग नए भी होंगे, वह भी सीख सकते हैं इसको। हमने क्या किया दोस्तों, दो ग्लास लिया है और एक ग्लास में जल भरा हुआ है और एक ग्लास में क्या भरा हुआ है, वसा भरा हुआ है। तो एक ग्लास में जल भरा हुआ है और एक ग्लास में क्या भरा हुआ है, वो वसा भरा हुआ है, ठीक है ना। एक में फैट है और एक में क्या है, एक में है वाटर। अब आपने क्या करना है, आपने क्या किया, आपने एक लिया कीड़ा, कीड़ा आप जानते हो जो रेंगता है, आपने एक कीड़ा लिया और उस कीड़े को आप घुलाते हो, आपने उस कीड़े को घुला दिया, एक बार घुलाया आपने जल में और एक बार घुलाया वसा में। तो यहां हम देख सकते हैं जो कीड़ा था, कीड़ा वसा में घुल चुका है लेकिन जल में नहीं घुल पाया है। ये कीड़ा वसा में घुल गया, इसमें क्या था, इसमें वसा है और इसमें क्या है, जल है। तो कीड़ा वसा में घुल गया लेकिन जल में नहीं घुल पाया, इसका मतलब यह है कि यही A, D, E और K, यानी एडेक, K, E, D, A, यही तो है वसा में घुलनशील विटामिन। यही जो कीड़ा है यह वसा में घुलनशील है और BC कहां है, जल में घुलनशील है। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो। कई बार परीक्षाओं में यही से क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील नहीं है। मान चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए आपकी परीक्षा में कि वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन है जो जल में घुलनशील है, मान लीजिए ऐसा आ गया, ऑप्शन आपका ए आ गया, बी व सी, ऑप्शन आपका बी आ गया, बी व डी, ऑप्शन आपका सी आ गया, डी और ई, और आपका ऑप्शन डी आ गया कि ई और के। तो आपको पता है इसमें कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, कुछ नहीं करना है आपको, वही वाटर सोल्यूबल WBC। WBC कभी नहीं भूलेगा आपको, इसलिए आपका यह क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब दोस्तों एक पॉइंट्स यहां पर और बनता है, अगर मैं इस नए पॉइंट्स की बात करूं, जैसे क्वेश्चन क्या बन जाता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, कमी से होता है। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आए और उत्तर क्या रहे, उत्तर रहे साइनोकोबालमिन, बी रहे
एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल और ऑप्शन सी आ जाए यहां पर रेटिनॉल, और ऑप्शन डी रहे यहां पर टोकोफेराल। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। आपको इतना याद है ए बी सी डी, लेकिन आपको यह याद नहीं है कि किस केमिकल नेम से होता है। तो ध्यान देना बस रेटिनॉल। अब इसे याद करने के लिए हमें कुछ आगे प्रयास करने होंगे, जैसा कि मैं आपको ट्रिक बताता हूं लेखपाल की परीक्षा के लिए, वो इसलिए कि जीएस का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, लेकिन जितना आप जीएस पढ़ना है आप सभी को, साइंस में आपको वहां पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि आपके लिए नई नई ट्रिक्स लाऊं जिससे कि जीएस यानी कि साइंस पढ़ने में आप सभी को बहुत आसानी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, अब विटामिन और केमिकल नेम पढ़ने हैं हमको, विटामिन और उनके केमिकल नेम और कमी से होने वाले रोग। तो मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें विटामिन का नाम, रासायनिक नाम और साथ ही साथ आप उसमें कमी से होने वाले रोग, इन सबको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए, जैसे कि जो ट्रिक है ये बहुत सिंपल है। एक तो ट्रिक क्या होती है, एक होती है रथ एक टाफी है, ये आप सब लोग जानते हैं। जैसे रस क्या होता है, रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कार्बिक अम्ल, क से कैल्सिफेरॉल, टा से ट्रोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। तो रथ एक ट्रॉफी है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कार्बिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, ट्रोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको मैं आज एक नया तरीका बताऊंगा कि कैसे विटामिन को याद करते हैं। देखिए जैसे कि जब घर बनता है रहने के लिए, तो घर में बाथरूम बनता है। भाई बाथरूम नहीं बनेगा तो आदमी कहां पर नहाएगा। तो सपोज करें कि मेरा भी घर बन रहा है, और दोस्तों मेरा घर बन रहा है, घर मेरा बन चुका है, लेकिन जब मैं अपने घर पर पहुंचता हूं तो उस समय क्या है, उस समय घर का बाथरूम बन रहा था, उसमें क्या था, घर का बाथरूम बन रहा था, और जो घर बनाने वाला मिस्त्री है उसका नाम था डीके, है ना। तो जब मैं घर पे पहुंचता हूं तो मुझे यह लगता है कि घर तो बन चुका है, लेकिन मैंने जो बाथरूम के लिए ईंट लाई है वो ईंट कम पड़ जाती, कम पड़ जाएगी। तो मैंने शक बस ऐसे ही डीके से पूछा कि अरे डीके, बाथरूम का ईंट काफी है। तो डीके नहीं बोल रहा है। मैंने फिर डीके से पूछा कि अरे डीके, बाथरूम का ईंट काफी है। फिर नहीं बोला, भाई डीके को पैसा नहीं मिल रहा है लॉकडाउन में, तो वो नहीं बोल रहा है। फिर मैंने उसको फिर पूछा प्रेम से कि अरे डीके, बाथरूम का ईंट काफी है। तो डीके तीसरी बार नहीं बोला, मुझे गुस्सा आ गई। मैंने गुस्से में कहा कि अरे बाथरूम का, मैंने क्या बोला डीके से, मैंने गुस्से में कहा कि अरे बाथरूम का, अरे बाथरूम का, इतना मैंने गुस्से में बोला कि अरे बाथरूम का। फिर डीके सोच लिया कि अब वो सर गुस्सा हो गए, तो डीके ने प्रेम से बोला कि जी सर। तो फिर मैंने उससे आराम से कहा कि डीके, ईंट काफी है। मैंने गुस्से में बोला कि अरे बाथरूम का, इतना सुनकर डीके डर गया और बोल दिया हां सर। तो मैंने कहा डीके, ईंट काफी है। देखिए इसको कैसे हम डिकोड करेंगे। तो दोस्तों ट्रिक लिखी गई है, मैंने गुस्से में क्या बोला कि अरे बाथरूम का, इतना बोल के मैं चुप हो गया। डीके बोलता है हां सर। फिर मैंने रिलैक्स में कहा कि डीके, ईंट काफी है। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपको यह भी याद कर सकते हो आप, या फिर रथ एक टाफी है आप इसको भी याद कर सकते हो, दोनों बहुत आसान है। तो जहां आपको इजी लगे वो याद करिए, लेकिन ध्यान देना कि मैं आपको आज कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, सिखाऊंगा इसी में। तो देखिए लिखा गया है अरे, तो आ से क्या हुआ विटामिन ए, और रे से क्या हो गया दोस्तों रेटिनॉल हो गया। आ से विटामिन ए और रे से रेटिनॉल हो गया। फिर बाथ रूम काट दीजिए, बाथ ले लीजिए। बा देखिए, बा से विटामिन बी और था से थायमिन, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। फिर देखिए का, अब का को हम के ए भी लिखते हैं और का को हम सी ए भी लिख सकते हैं। तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने का को सी ए लिखा,
तो सी से क्या हो गया, विटामिन सी हो गई, और ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या बन गया, एस्कॉर्बिक एसिड बन गया। फिर देखिए अब क्या है, डी के, तो डी और के, डी से विटामिन डी और के से कैल्सीफेरॉल होता है, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाता है। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखा ईंट, तो ईंट लिखा हुआ है, डी के ईंट काफी है, तो ई से क्या हो गया, विटामिन ई, और ट से क्या हो गया, टोकोफेरॉल। ई से विटामिन ई और ट से हो गया टोकोफेरॉल, ये समझ लीजिए विटामिन ई का हो गया। आगे है काफी है, तो फ्रेंड्स का, तो का से विटामिन के और फी से फिलोक्विनोन। यह ट्रिक है, इसको हमने डीकोड किया है। यहां भी आप रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, उसके बाद दोस्तों क्या है, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन आप यहां भी देख सकते हो। अब क्या है, अब इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और व्याधियों से प्रश्न बनता है, तो हम यहां रोग भी देखेंगे या इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी व्याधियां होती हैं, और इनके खोजकर्ताओं के बारे में, बिल्कुल वैसा जैसा कि आपकी परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको ट्रिक पसंद नहीं आती है, तो देखिए मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूं। देखिए ये ट्रिक हम लोग क्यों पढ़ाते हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप लोग आगे बढ़ सके परीक्षा में, ठीक है ना। विशेषकर मैं पढ़ाता हूं वह टॉपिक जो आपके लिए बहुत टफ होता है। साइंस में आपको कॉन्सेप्ट, यानी फुली कॉन्सेप्ट और फुली ट्रिक, 100% ट्रिक और 100% कॉन्सेप्ट के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, और जब 100% कॉन्सेप्ट और 100% आप ट्रिक पढ़ोगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा साइंस का जो आपको समझ में नहीं आएगा। जहां आप याद नहीं कर पाएंगे वहां ट्रिक ही बताऊंगा, और जहां दोस्तों आप समझ नहीं पाएंगे वहां कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ऐसे मिलाकर के आपको साइंस में बिल्कुल 0 से लेकर 90% मैं पहुंचाऊंगा, और बाकी 90 से 100% ये आप स्वतः पहुंचेंगे। क्लियर, तो देखिए अब कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इनके, जरा हम इसको भी डिस्कस कर लें। दोस्तों आपको पता है कि संस्था में लेखपाल का बैच प्रारंभ है रवि सर के निर्देशन में। अगर आप जो है इस एडमिशन के इच्छुक हो या संस्था में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करने के बाद आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया आप सभी के सामने रवि सर के बारे में, देखिए रवि सर हम सभी के आइडियल भी हैं, और दोस्तों एक अच्छे मार्गदर्शक भी हैं, एक अच्छे मेंटर हैं। सो फ्रेंड्स आज मैं रवि सर की बात करूंगा। रवि सर बहुत लंबी बहुत देर तक क्लास लेते रहते हैं, हमेशा प्रयास उनका होता है कि इंस्टीट्यूट हमेशा आगे बढ़े। तो हुआ ये कि हम सभी लोग क्लास लेने के लिए आए और रवि सर भी क्लास लेने के लिए आए, तो उसमें यह हुआ कि रवि सर 2-3 घंटे क्लास लेते हैं, और हम हैं और हमारे गौरव पांडे सर हैं, दो लोग हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि रवि सर थक गए हैं क्लास नहीं लेंगे, ठीक है ना, रवि सर थक गए हैं क्लास नहीं लेंगे। तो गौरव सर ने कहा कि नहीं रवि सर कभी नहीं थकते, क्लास लेंगे। तो देखिए गौरव सर ने कहा नहीं रवि सर नहीं थके हैं। अब आप बताओ गौरव पांडे सर हैवी है कि मैं, वो ज्यादा मुझसे हैवी हैं। तो गौरव पांडे ने क्या कहा कि रवि सर नहीं थकेंगे। अब आप बताओ जो मजबूत होगा हट्टा कट्टा उसकी बात मानी जाएगी कि जो कमजोर होगा मेरी तरह उसकी बात मानी जाएगी, जाहिर सी बात है जो हट्टा कट्टा होगा। तो सबने क्या किया, गौरव पांडे जी की बात मानी, उन्होंने क्या बोला कि रवि सर नहीं थके हैं, ठीक रवि सर नहीं थके हैं। देखिए रवि सर नहीं थके हैं, तो इसको समझिए आप लोग दोस्तों। रा से क्या हो गया रतौंधी, और बी से हो गया बेरी बेरी, सा से हो गया स्कर्वी रोग, और र से हो गया रिकेट्स, और नहीं से नपुंसकता होता है, और थके हैं तो रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, कमी से रोग रतौंधी। विटामिन बी केमिकल नेम थायमिन, कमी से रोग बेरी बेरी। विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, कमी से रोग स्कर्वी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और कमी से कौन सा रोग रिकेट्स होता है। और दोस्तों विटामिन ई है टोकोफेरॉल, कमी से नपुंसकता है। विटामिन के फिलोक्विनोन, और कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। मुझे याद है अधीनस्थ की परीक्षा में ही क्वेश्चन आया था विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, यानी यहां से खोज भी आता है। तो आप सभी बता दूं मैं
दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ए की खोज किसने की है? मैकुलन ने की है, और विटामिन बी की भी मैकुलन ने। विटामिन सी के खोजकर्ता होलकर साहब हैं। विटामिन यहां पर डी खोजकर्ता कौन है? हॉपकिन साहब है। और विटामिन के विटामिन ई की खोज किसने की है? इवांस ने की है। और विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? डैम और डेजी। तो डैम और डेजी ने क्या किया? विटामिन डी, विटामिन के की खोज की। इवांस ने ई की, हॉपकिंस ने डी की, होलकट ने सी की, और विटामिन ए और विटामिन ए और बी के खोजकर्ता होलकट साहब हैं। तो आप सभी ने देखा ये मेजर विटामिन है और इनके खोजकर्ता के नाम, इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम मैंने आप सभी को ट्रिक से बता दिया है। अब क्या है कि यहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल अवस्था में पाया जाता है। मैंने आप सभी से क्या बताया कि मैं आपको ट्रिक भी पढ़ाऊंगा आज और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जिससे कि परीक्षा में इस टॉपिक से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो सके। मेरा पूरा प्रयास यही है कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। इस प्रयास में पूरा संस्थान आपके साथ है, पूरा संस्थान आप सभी के साथ कड़ा परिश्रम कर रहा है। दोस्तों आवश्यकता है तो आपके भी रेगुलर और पंक्चुअल हो जाने से, जिस दिन आप रेगुलर और पंक्चुअल हो जाएंगे उस दिन सफलता स्वतः अपने आपने आप आपके पास चली आएगी। तो अब हम देख रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगा मैं, तो फिर देखिए मैंने फिर यहां क्या किया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फिर मैंने रवि सर को जोड़ दिया है, ठीक है ना। फिर मैंने यहां पर रवि सर को ऐड कर दिया है, लेकिन ये छोड़िए, देखिए यहां देखिए। अब दोस्तों क्या है, विटामिन बी टू आपने बी वन पढ़ लिया है थायमिन का, तो बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी ट्वेल्व ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात है। ये ध्यान रहे कि विटामिन बी इलेवन भी होता है, विटामिन बी नाइन भी होता है, जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है आपको पता होगा, एनीमिया होता है। देखिए तो यहां भी दोस्तों मैंने एक नई ट्रिक बनाई है, यहां मैंने जोड़ दिया है रवि सर के बारे में। तो रवि ने नई पैंट पाई बस में, है ना, क्लियर। तो दोस्तों क्या लिखा मैंने, रवि ने नई पैंट पाई बस में। अब इसको आप कैसे देखेंगे, देखिए तो दोस्तों र यानी कि रवि, विटामिन बी विटामिन बी टू, तो राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी टू का केमिकल नेम। अब ने साइलेंट है, नई तो विटामिन बी थ्री, नई से क्या हो गया, नियासिन। उसके बाद पैंट विटामिन बी फाइव, पैंटोथिनिक अम्ल। फिर देखिए पाई विटामिन बी सिक्स, पाइरिडॉक्सिन। और ब तो दोस्तों विटामिन बी सेवन, बायोटिन। और स विटामिन बी ट्वेल्व, साइनोकोबालमिन। तो देखा आपने, अगर आपको ट्रिक भी याद हो जाए तो बेहतर है। दोस्तों मेरा पूरा प्रयास यही है कि ट्रिक के द्वारा आप इन सब पॉइंट्स को याद कर लें, ठीक है ना। तो विटामिन बी टू का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम नियासिन, विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम पेंटोथिनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन का केमिकल नेम बायोटिन है, विटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन में ही कोबाल धातु होती है। अब देखिए विटामिन बी टू के अभाव में किलोसिस होता है, और किलोसिस ऐसा रोग है जिसमें होंठ फट जाते हैं, ठीक है ना, त्वचा का रूखापन, होंठ के फटना, ये सब होता है। और विटामिन बी थ्री यानी कि नियासिन से पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा को हम चर्म रोग कहते हैं, चर्म रोग, चर्मगाह रोग, ये सब नाम किसके हैं, त्वचा का प्रदाह रोग, चर्म रोग, या जो है पेलाग्रा, ठीक है, ये सब इसी के नाम हैं। फिर विटामिन बी फाइव की बात कर लेते हैं हम लोग, पेंटोथिनिक एसिड। तो इससे दोस्तों क्या होता है, बाल पकना, बाल गिरना, ये सब समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। फिर देखें विटामिन बी सिक्स, तो पाइरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और मांसपेशियों में ऐंठन, मैंने केवल यहां ऐंठन लिखा है, एक्चुअली मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर दोस्तों विटामिन बी ट्वेल्व है साइनोकोबालमिन, आप सभी को पता है, उसके पहले बी सेवन है बायोटिन। बायोटिन में क्या होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस, और स्लीप जो है, स्लीपिंग सिकनेस होती है,
अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है और बाल भी गिरते हैं, यह भी समझ लीजिए। बाकी देखिए विटामिन B12 जिसको हम कहते हैं साइनोकोबालमिन, मेरे प्यारे दोस्तों साइनोकोबालमिन से क्या होता है, घातक एनीमिया होती है। क्या होती है? घातक एनीमिया होती है, इस बात को भी ध्यान देना। आप सभी के कमेंट्स को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका स्वागत है। बाकी देखिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आपने देख लिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को और कुछ मेजर विटामिन को, तो ऐसे में मैंने सारे विटामिन को कवर कर दिया केमिकल नेम के साथ और कमी से होने वाले रोगों के साथ। आइए हम कुछ और नया टॉपिक पढ़ते हैं इसी में, जैसे वसा में घुलनशील विटामिन की विशेषताएं। आपने सुना होगा कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, या चावल को धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, सब्जियों को काटकर धुलने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, या किसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, किसको हम प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां से सदैव प्रश्न आए हुए हैं, तो इनको याद करना हमारे लिए परम आवश्यक है। आज आप विटामिन पढ़ लेंगे मुझसे, आपको किसी से भी विटामिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ना तो ट्रिकी और ना ही कॉन्सेप्चुअल। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं विटामिन ऐसे जो जल में घुलनशील हैं और ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन। यहां मैंने कुछ अलग तरीके से फ्रेमिंग की है और स्रोत के साथ साथ विटामिन के रासायनिक नाम, खोजकर्ता के नाम या कमी से होने वाले रोग और विशेषताओं को मैंने यहां पर आप सभी के लिए मेंशन करने का प्रयास किया है। और यह भी प्रयास किया है कि मैं कुछ इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो पहला विटामिन हमारा कौन सा है, विटामिन ए है। तो विटामिन ए है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है या विटामिन ए के खोजकर्ता कौन, सारे पॉइंट्स। तो दोस्तों विटामिन ए देखिए रासायनिक नाम इसका है रेटिनॉल, इसको कहते हैं केमिकल नेम। ये क्या है, ये केमिकल नेम है, भूलना आपको नहीं है, केमिकल नेम ये है, केमिकल नेम देखिए। एंड फ्रेंड्स केमिकल नेम के बाद दो चीजें आती हैं, रोग। अगर हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करें तो विटामिन ए की कमी से दो रोग उत्पन्न होते हैं। एक है नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं रतौंधी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हम कितनी बार बताएं, मैंने इसको आपको ट्रिक बताया याद करने के लिए, तो रतौंधी है। दूसरा क्या है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। दोस्तों एक्चुअली हमारी कार्निया में कोई समस्या हो, आंखों का लाल होना या आंखों में जलन या रतौंधी या ज़ीरोफ्थैल्मिया, कोई भी रोग होता है, वह रोग कैसे होता है, विटामिन ए के अभाव में होता है। खोजकर्ता मैकुलन साहब हैं, आपने पहले भी देखा होगा। मैं अगर बात करूं स्रोत की तो देखिए गाजर, आम, पपीता, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहले गाजर है उसके बाद पका आम तब पका पपीता, भूलना नहीं है। तो गाजर, आम, पपीता और मछली के यकृत का तेल, दो चीजें विटामिन ए और विटामिन डी में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। एक्चुअली मछली के यकृत में विटामिन डी होता है बट मछली के यकृत के तेल में विटामिन ए होता है, मैंने पॉइंट्स मेंशन किया है। तो गाजर, आम, पपीता, मछली के यकृत का तेल, अंडे, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि जो बहुत जरूरी है वो मैंने यहां मेंशन किया है, ध्यान देना। मांस, मछली, हरी सब्जियां, अंडे, ये लगभग सब विटामिन में होते हैं, ठीक है ना। विटामिन सी में दूध नहीं होता है, ये अपवाद है, इसको भी ध्यान देना आप लोग। बाकी दूध, हरी सब्जियां और मांस, अंडे, मछली, ये सब विटामिन इनमें उपलब्ध होता है। फिर देखिए दोस्तों आखिरी पॉइंट क्या लिखा है, विशेषताएं। अब यानी कि जो विशेषताएं हैं यहीं से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं, जैसे विटामिन ए का संचय कहां होता है, तो मस्ट रिमेंबर इट, विटामिन ए का संचय हमारे लीवर में होता है बहुत अधिक मात्रा में और यह हमें जीवन भर यहीं से मिलता रहता है। एक्चुअली में जैसे हम गाजर खाते हैं, आम, पपीता खाते हैं, तो ये सब सब्जियां और फल पूरे साल नहीं मिलती बल्कि ये क्या होती, सीजनी होती है। तो जब इनको हम खाते हैं तो इनमें उपस्थित विटामिन ए का संचय लीवर में हो जाता है, उसके बाद पूरे जीवन यह मिलता रहता है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन है, यानी विटामिन ए
ऐसा विटामिन है जो आप सभी को संक्रमण से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए पूछा गया है कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गोल्डन धान में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप बिल्कुल इसी तरह से अपना नोट्स बनाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला विटामिन कौन सा है। जी हां दोस्तों, हमारा अगला विटामिन कौन सा है? अगला विटामिन हमारा है विटामिन डी। और विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? ये हॉपकिन साहब हैं। यहां मैंने इसको मेंशन नहीं किया लेकिन मैं कर दे रहा हूं। कौन है ये? हॉपकिन साहब है, हॉपकिंस हो गया। देखिए अब विटामिन डी है जिसके खोजकर्ता हॉपकिन है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। दरअसल कैल्सीफेरॉल कई प्रकार का होता है, कोली कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल, कोली कैल्सीफेरॉल या कोली अर्गो कैल्सीफेरॉल। अभी लेखपाल के लिए आप बस इतना जानते रहिए कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों जो बैच चलते हैं हमारे यहाँ पीसीएस वगैरह के, उसमें बताता हूं मैं कि कोली कैल्सीफेरॉल क्या होता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल क्या होता है या कोली अर्गो कैल्सीफेरॉल क्या होता है, यानी विटामिन डी वन, डी टू, डी थ्री ऐसे। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से दो प्रमुख रोग होते हैं, दोनों हड्डी रोग है। पहला है रिकेट्स, इसको हम कहते हैं ड्राई डिजीज या इसको हम कहते हैं सूखा रोग, यह बच्चों में होता है। और फिर ऑस्टियोमलेशिया है, यह बच्चों में होने वाली या बड़ों में होने वाली प्रमुख बीमारी है। जहां रिकेट्स सूखा रोग है बच्चों में होता है, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, वहीं देखिए ऑस्टियोमलेशिया यह वयस्कों में होने वाला प्रमुख हड्डी रोग है। और अगर हम बात करें विटामिन डी के सोर्स की, सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश से मिलती है। एक्चुअली दोस्तों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है, बल्कि हमारी त्वचा में एर्गेस्टेराल होता है। और जब सूर्य का प्रकाश इस एर्गेस्टेराल में पड़ता है तो क्या करता है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश पड़ने पर वही जो एर्गेस्टेराल होता है वो प्रकाश को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान देना आप लोग, सूर्य के प्रकाश, मक्खन, जिगर, अंडे, सब्जियां, दूध, इन सब में क्या होता है, इन सब में विटामिन डी होता है। दूध और सब्जी भी आप इसको मेंशन कर लीजिए, दूध और हरी सब्जियां, क्लियर ना। फिर देखिए इसकी विशेषताएं, विटामिन डी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट्स, विटामिन डी को हम धूप का विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। उसके बाद इसका निर्माण कहां होता है, तो त्वचा में, इसका निर्माण त्वचा में होता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि विटामिन डी हमारे आंत में उपस्थित, इंटेस्टाइन में उपस्थित कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा करके हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है। यहां लिखा गया है हड्डियों के निर्माण में सहायक, सारे कॉन्सेप्ट खत्म विटामिन डी के, इससे ऊपर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं बनता। आगे बढ़िए, आगे है खोजकर्ता के नाम विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई के खोजकर्ता कौन है? इवांस साहब हैं। कौन है? ये इवांस है। अगर हम आप सभी से विटामिन ई की बात करें तो खोजकर्ता आपने देख लिया इवांस हैं, और वहीं विटामिन ई ऐसा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेराल। कहीं कहीं लोग कहते हैं टेकोफेराल, तो शुद्ध नहीं होता, एक्चुअली में टोकोफेरॉल है। और दोस्तों होता यह है कि विटामिन ई के अभाव में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, महिलाओं में बांझपन की समस्या और पुरुषों में जो है नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है। विटामिन ई के ही अभाव में नपुंसकता और बांझपन दोनों होता है, इसको कहते हैं प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाना, ठीक है। और देखिए इसके बाद अगर स्रोत की बात करें तो जितनी भी तेल वाली चीजें हैं इन सब में क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। और साथ ही साथ अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज हो या अनाज का छिलका हो या दोस्तों सोयाबीन हो या बीन्स हो, सेम हो, मटर हो, उसके बाद देखिए तेल, सोयाबीन, अंडा, अंकुरित अनाज या अनाज का छिलका, ये सब क्या होते हैं, विटामिन
ई के अच्छे स्रोत होते हैं। और अगर बात करें हम इसके विशेषताओं की, तो देखिए क्या लिखा गया है, प्रजनक विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन्स कहते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड देन फ्रेंड्स को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। अब देखो इसको ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, बड़ा मजेदार किस्सा इसका। अगर हम बात करें ब्यूटी विटामिन की, तो होता यह है कि विटामिन ई के अभाव में बाल भी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। यानी विटामिन ई के अभाव में बाल हमारे टूट जाते हैं। सोचिए अगर लड़कों के बाल पूरा झड़ जाए और लड़के गंजे हो जाए पूरा खत्म, फिर भी टोपी लगा करके काम चला सकते हैं। टोपी लगा लेंगे, हैट लगा लेंगे, घूमते रहेंगे। एक बार सोच के देखिए, यदि महिलाओं के पूरे बाल यहां से झड़ जाए, पूरे प्लेन हो जाए, तो दृश्य कैसा लगेगा देखने में, सोचिए एक बार, वो कैसा लगेगा देखने में, कितना अजीब लगेगा। क्योंकि भाई देखिए, बाल से ही सुंदरता होती है भाई, लड़के हो या लड़कियां, बाल ही उनकी सुंदरता का प्रमुख साधन होता है। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि लड़के भी बाल को यहाँ पूरा लाल करवा लेते हैं, लाल करवाने के बाद यहाँ पूरे गड्ढे बनवा लेते हैं बाल में, एकदम पूरी लकीर पतली सी। और महिलाओं में देखा गया भाई, बाल की जो चोटी होती है उसको लाल करा लेती हैं, बाकी कितने तरीके कटिंग होती है बालों की, 25 पिन लग जाती है बालों में। तो ये डोंट माइंड बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बाल ही सुंदरता का प्रमुख साधन है। तो जब बाल ही नहीं होगा तो सुंदरता कहाँ होगी? तो दोस्तों इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। और ध्यान देना, त्वचा का रूखापन भी और त्वचा रोग भी इस विटामिन से हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन, क्योंकि सुंदरता का ये स्वरूप है। आगे बढ़ेंगे, आगे है विटामिन के। तो विटामिन के की अगर बात करें, तो खोजकर्ता इसके डेम और डेजी हैं, दोनों पति पत्नी, तो डेम और डेजी ने विटामिन के की खोज की है। और अगर विटामिन के रासायनिक नाम की बात करूं, तो यहां फिलोक्विनोन, लेकिन इसको हम नेफ्थाक्विनोन भी कह सकते हैं, नेफ्थाक्विनोन भी कह सकते हैं, या इसको हम फिलोक्विनोन कह सकते हैं, इसके दोनों नाम हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे यकृत में थक्का बनाने वाले विटामिनों का निर्माण होता है, प्रोथ्रांबिन, थ्रांबोप्लास्टिन, थ्रांबिन, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन, इन सब का निर्माण कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। और इन मुख्य रूप से प्रोथ्रांबिन के निर्माण में विटामिन के भाग लेता है। लेकिन देखिए, जब विटामिन के का अभाव होगा तो क्या होगा, विटामिन के की कमी से रोग कौन सा होगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। फिर देखिए, अगर स्रोत की बात करूं, तो विटामिन के लिए हरी पत्तियां, जिगर, जिगर का मतलब होता है यकृत, ध्यान देना, यकृत, जिगर, कलेजा, लीवर, यानी यकृत, जिगर, कलेजा, लीवर एक है, दिल, हृदय और हार्ट एक है, ब्रिक, गुर्दा और किडनी एक है, फेफड़ा, फुफ्फुस, लंग्स एक है, मन और नाम की कोई चीज शरीर में नहीं होती है। तो हरी पत्तियां, जिगर, अंडा, गोभी, टमाटर, ये सभी क्या है, स्रोत है विटामिन के। और विशेषताएं दोस्तों क्या है, ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन प्रोथ्रांबिन के निर्माण में सहायक विटामिन है। तो विटामिन के से इतने सारे कॉन्सेप्ट आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक पॉइंट्स और है। और दोस्तों ये पॉइंट्स कौन सा है, ये है जल में घुलनशील विटामिन। तो क्या है, जल में घुलनशील विटामिन, अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें, तो विटामिन सी और विटामिन बी और सी, फिलहाल मैं आज केवल विटामिन सी की बात करूंगा। अगर विटामिन सी की बात की जाए, तो खोजकर्ता कौन है, होलकर साहब। इसके विटामिन सी की खोज किसने की है, होलकर ने की है। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है ना। और कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। दोस्तों स्कर्वी रोग ऐसा रोग है जिसमें कई लक्षण दिखाई देते हैं। अगर लक्षणों की बात करूं आपसे, तो जैसे क्या होता है इसमें, पहले तो होता है त्वचा रोग, मसूड़ों से पस आना, मसूड़े से खून निकलना, वजन घटना, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, स्कर्वी रोग के अंतर्गत ही आते हैं। ध्यान देना, जो लोग सब्जियां, बासी सब्जियां खाते हैं, उनको स्कर्वी रोग अधिक होता है। जैसे हमारे आर्मी मैन है, सब्जियां ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती हैं, तो उनमें अक्सर स्कर्वी रोग देखा जाता है। अगर स्रोत की बात करूं, तो खट्टे फल, आंवला सबसे अधिक होता है, फिर नींबू का भाई बहन। अब नींबू के भाई बहन कौन होते हैं, तो नींबू,
संतरा, मौसम्मी, चकोतरा, ये सब नींबू के वर्ग के हैं। और उसके बाद हरी मिर्च, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, दूध इसमें नहीं है, दूध में नहीं होता ये, ध्यान देना, दूध में ये नहीं होती है। और बाकी दोस्तों ये सब में पाई जाती है। मानव मूत्र में भी विटामिन सी उपस्थित होती है। अब अगर बात करें इसके विशेषताओं की, तो पहली विशेषता यह है कि विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। दूसरा विटामिन क्या दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंटल, ये घाव भरने में सहायक है। और विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंटल होती है, तो यह घाव भरने में सहायक है। और जब हम सब्जियों को काटकर धुलते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। सब्जियों को काटकर धुलने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अब ऐसा मत करना कि सब्जी धुलना ही मत काटने के बाद, है ना, धुल के तब काटा करिए, है ना। अब दोस्तों क्या है, या फिर काट के भी धुल लिया करिए, क्योंकि विटामिन सी आपको आंवला से भी मिल रहा है, हरी मिर्च से मिल रही है, और पत्तेदार सब्जियों से मिल रही है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यह दूध में क्या होती, नहीं पाई जाती है, यानी मिल्क में यह क्या है, अब्सेंट है, यह मिल्क में अब्सेंट है। और बाकी अगर बात की जाए आप सभी से, तो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स था, है ना, अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो दोस्तों पहला क्या था, थायमिन। अगर हम थायमिन की बात करें तो लिख लेना पॉइंट आप, जो थायमिन होता है चावल धुलने से नष्ट हो जाता है। और जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं उनमें थायमिन के अभाव में बेरी बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहां विटामिन B6 है, इसकी अपनी विशेषता होती है। विटामिन B6 को हम याददाश्त बढ़ाने वाला विटामिन कहते हैं। प्रायः होता है कि हम लोग सपने देखते हैं और भूल जाते हैं, और दोस्तों ऐसे में क्या होता है, विटामिन सी की कमी होती है। तो जो लोग सपने भूल जाते हैं उनमें विटामिन सी की कमी होती है, और सॉरी विटामिन सी नहीं बल्कि विटामिन B6 की, विटामिन B6 कमी होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पाइरिडॉक्सिन। तो यह याददाश्त बढ़ाने वाला विटामिन है। फिर देखिए साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन में क्या होता है, साइनोकोबालामिन के अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, दोस्तों ध्यान रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रिक पसंद नहीं है, तो भाई वो दूर रहेंगे, जिनको ट्रिक पसंद है वो इसको लिख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में यही आना है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और यदि आप ऐसे ही पढ़ने के इच्छुक हो, आपको यह लगता है कि आपको 100% याद करना है, तो 100% याद करने के लिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में लेखपाल भर्ती परीक्षा का बैच संचालित हो रहा है। और अगर आप जुड़ने के इच्छुक हो तो स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर संपर्क करें, और दोस्तों आपको सारी जानकारियां यहां से प्राप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आएगी, और आप स्वस्थ रहिए, प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए इस महामारी के दौर में, और अपने आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।